हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू टेक फॉर यू के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एंड्रॉयड फ़ोन पे है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेवलपर ऑप्शन के बारे में। डेवलपर ऑप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आना है नीचे करके स्क्रोल, यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम, जब इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पर अबाउट फ़ोन में। जी हाँ दोस्तों, इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको नीचे आना है करके स्क्रोल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिल्ड नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है 7 टाइम, तो आपका जो है डेवलपर ऑप्शन वो आपका एनेबल हो जाएगा। और हमने इसे पहले से ही कर रखा हुआ 7 टाइम क्लिक करके, इसलिए मेरा जो है डेवलपर ऑप्शन वो ऑन है। और आपको आना है बैक, जब क्लिक करिएगा तो आपको आना है बैक, और बैक आने के बाद आइएगा तो आपको यहाँ पर जो है डेवलपर ऑप्शन वो आपको दिखाई देगा। और आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करना है, तो क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। और दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं पहला सीक्रेट ये है, पहला सीक्रेट सेटिंग ये है कि आप जो है अपने मोबाइल का जो है आइकन को आप कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो आपको आना है यहाँ पे नीचे करके स्क्रॉल, जब आप कीजिएगा स्क्रॉल और आपको आना है करके नीचे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट विद। जी हाँ दोस्तों, जब इस पर आप क्लिक करते हैं स्मॉलेस्ट विद पर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करिए तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। और देखिए आपको जो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे 360 है, और आप जब इसको जब बढ़ाइएगा और घटाइएगा तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं इसको 500, और 500 करने पर हमको यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करते हैं, देखिए मेरा जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंटरफेस का साइज जो है वो छोटा हो गया। और फिर हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे देखने के लिए आइकन को, तो हम देखते हैं मेरा जो आइकन वो कितना बड़ा है। देखिए आइकन जो है वो कितना यहाँ पे छोटा आपको दिख रहा है। फिर से हम चलते हैं अपने सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद जो है आपको फिर से आना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट विथ पे, और इस पे यहाँ देखिए आपको जो यहाँ पे आपको क्लिक कर करके यहाँ पे आपको कर देना है 200 है, 200 करिएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है ओके। ओके करने के बाद देखिए आपका जो है फिर ये साइज वो बढ़ गया। फिर हम चलते हैं मोबाइल के होम पेज पे और आपको हम दिखाते हैं मोबाइल का आइकन। देखिए ये जो मेरा मोबाइल का आइकन है ये बढ़ गया। तो आप यहाँ से जो है इस सेटिंग के द्वारा जो है आप जो इसका जो है आइकन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फिर से इसे हम देते हैं करो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल। फिर आपको आना है यहाँ पे और आपको यहाँ पे कर देना है 360, और आने के बाद इसको ओके जब करना है तो देखिए आपका जो है वो यहाँ पे जो है आइकन वो नॉर्मल हो चुका है आपको यहाँ पे दिख। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपर ऑप्शन के एक और जो है सेटिंग, जिसका नाम है सिम्युलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, जब इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिख रहा है इंटरफेस, और आपको यहाँ पे कर देना है सिलेक्ट अपने मन से। हमने यहाँ पे किया सिलेक्ट 720, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे डबल जो है आपका स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपका जो है एक मोबाइल स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये देखिए आपका जो है ये एक और स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो है एक मोबाइल में दो स्क्रीन को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं आराम से। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसको कर रहे हैं स्क्रॉल, तो देखिए आपका जो इसके नीचे का जो है ये आपका जो है डिस्प्ले वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर हम आते हैं मोबाइल के होम पेज पे, देखिए यहाँ भी जो है आपका जो है ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ये सेटिंग को फिर से क्लोज करना, तो आपको फिर से यहाँ पे जो क्लिक करना है सिम्युलेट सेकेंडरी डिस्प्ले पे, और क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे करके नोन पे। यहाँ पे जो आप क्लिक करिए देखिए आपका जो है सिम्युलेट सेकेंडरी डिस्प्ले जो था आपका जो यहाँ पे डबल डिस्प्ले वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, और आपका मोबाइल जो है वो नॉर्मल दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक और जो है सेटिंग, जिसका नाम है फोर्स RTL डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको आना है नीचे करके स्क्रॉल डेवलपर ऑप्शन में ही, और आपको नीचे आना है, और देखिए आपको यहाँ पे जो है दिख रहा है फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो भी इसमें आइकॉन दिख रहा है, जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा है वो आपको उल्टा हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए क्या हो गया, इसका जो मतलब है इंटरफेस वो आपको
उल्टा दिख रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। फिर हम चलते हैं मोबाइल के होम पेज पे, और जाने के बाद हम जो है व्हाट्सएप या कुछ भी ओपन करते हैं। तो देखिए जब हम ओपन करेंगे व्हाट्सएप तो देखिए आपका जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है नॉर्मली, बट यहाँ पे उल्टा आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम चलते हैं फ़ोन के सेटिंग में, जहाँ भी जाएगा तो आपको जो है वो सब उल्टा दिखाई देता है। फिर से हम आते हैं अपने सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद जो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर से जो है इस पे यहाँ पे आपको इसको कर देना है डिसेबल, यहाँ पे क्लिक करके। तो फिर से देखिए आपका जो है वो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। जब हम फिर से आते हैं होम पेज पे और व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, तो देखिए आपका जो यहाँ दिख रहा है जो था पहले आपका, वो पहले तरह दिख रहा है जो नॉर्मल आपको व्हाट्सएप में दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक और सेटिंग जो कि डेवलपर ऑप्शन में ही, और उसका नाम है पॉइंटर लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, जब इसको आपको कर देना है एनेबल, इस पर क्लिक करके, जब इस पर आप क्लिक करेंगे देखिए आपका जो कुछ देखिए चेंजिंग आपको हो रहा, मान लिया यहाँ पे हम कुछ क्लिक करते हैं, देखिए आपका जो यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है पॉइंट के थ्रू। फिर से हम आते हैं व्हाट्सएप पे, देखिए व्हाट्सएप पे जैसे हम क्लिक करते हैं कहीं पे भी, देखिए आपका जो ये आपका दिख रहा है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो कि आपको कुछ डिफरेंट लुक में दिखाई दे रहा है। और फिर से आना है आपको पॉइंटर लोकेशन पे, और आपको फिर से यहाँ से कर देना है इसको डिसेबल, तो आपका जो है मोबाइल वो नॉर्मल आपको दिखाई देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डेवलपर ऑप्शन की एक और सेटिंग है, जिसका नाम है सिस्टम यूआई डेमो मोड। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपको यहाँ दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन में ही हम बात कर रहे हैं। तो इस पर हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इनेबल डेमो मोड। जब इस पर हम क्लिक करते हैं एनेबल करते हैं, और इसको भी हम जब एनेबल कर देते हैं, तो देखिए अभी जो मेरा बैटरी आपको दिख रहा है कितना है, 74% आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा चार्ज बैटरी है। जैसे हम यहाँ पे इसको जो है सो इसको हम कर देंगे एनेबल सो डेमो मोड को, तो मेरा देखिए बैटरी कितना हो जाएगा। तो जैसे इसको हम एनेबल किए, देखिए मेरा जो बैटरी वो दिखा रहा है 100% मेरा जो बैटरी चार्ज है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के बैटरी को हरदम 100% रख सकते हैं, बट ये फेक है, ये सिर्फ दिखावटी है। आप किसी को दिखा सकते हैं मेरा बैटरी हरदम जो है 100% ही रहता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। और फिर हम इसको जब कर देते हैं डिसेबल, तो देखिए मेरा जो फिर से जो बैटरी है वो कितना हो गया, 74% है, जो था पहले वही आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से अपने मोबाइल को आप अट्रैक्टिव लुक में लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों ये जो डेवलपर ऑप्शन है ये सभी मोबाइल में होते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, बट इसको आपको करना पड़ेगा इनेबल, जैसा कि हमने बताया है आपको इस वीडियो में। तो पहले से कर लीजिए इनेबल, तब आपका ये काम करेगा डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों ये रहा कुछ डेवलपर ऑप्शन के सेटिंग जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये जो है इन्फॉर्मेशन वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।